नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। दोस्तों लगातार बाइडेन प्रशासन का जो प्रतिबंधों का दौर है वो शुरू होने वाला है भारत के ऊपर, और कई कयास ऐसे लगाए जा रहे हैं कि शायद अमेरिका अब भारत पर जो प्रतिबंध लगाएगा उनमें सबसे पहला प्रतिबंध होगा अपने इंजनों की सप्लाई को बंद करना, यानी कि ये हमारे तेजस MK1 और MK जो प्रोग्राम के लिए एक बड़ा अड़ंगा डालने वाला है अमेरिका। जैसे कि मैंने आपको हाल ही में बताया था कि संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA ने आधिकारिक तौर पर तुर्की पर प्रतिबंध लगा दिया और उसे अपने F-35 प्रोग्राम से भी बाहर कर दिया, क्योंकि उसने S-400 रशिया से लिया और भारत ने 2018 में इस प्रणाली का आदेश दिया था और इस साल के अंत में ये डिफेंस सिस्टम भारत को मिलने वाला है। हालांकि अभी बाइडेन प्रशासन को ये बात कंफर्म करना बाकी रह गया है कि क्या भारत ने NASAMS-2 एयर डिफेंस सिस्टम को मना किया है या फिर उनके F-21 और F-18 जैसे अमेरिकी निर्मित लड़ाकू जेट्स जिनकी पेशकश की थी भारत को, जो कि एक मल्टीबिलियन डॉलर का सौदा है उसके लिए। यानी इसके अलावा सबसे आखिरी में अमेरिका ने F-15EX का प्रस्ताव भारत को दिया। अगर भारत ये सब चीजें नहीं लेता है तो प्रतिबंधों का खतरा और मंडरा सकता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बाइडेन प्रशासन को भारत के द्वारा चोट पहुंचाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। और सबसे पहला नुकसान वो भारत को पहुंचाएगा अमेरिकी प्रणालियों के जो पुर्जे हैं और उनकी आपूर्ति को भारत में ना करना, क्योंकि भारत ऑलरेडी अपाचे, चीनूक, इसके अलावा कई डिफेंस सिस्टम्स जो हैं वो अमेरिका के इस्तेमाल कर रहा है। वहीं दूसरी ओर भारत के स्वदेशी तेजस MK-1 फाइटर जेट पूरी तरह से अमेरिका की GE के F-404 इंजनों पर निर्भर है और यहां तक कि तेजस MK-2 को भी फिर से GE F-414 इंजन के द्वारा ऑपरेट किया जाएगा। और अगर ये प्रतिबंध भारत पर लगते हैं तो भारत को इंजन के आगे के बैचों की आपूर्ति करने पर दोनों ही प्रोग्राम भारत के परेशानी में पड़ सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि इंडियन एयरफोर्स ने हाल ही में 83 तेजस MK-1 के लिए नए ऑर्डर्स दिए हैं और इनमें भी GE के इंजन लगाए जाएंगे। हालांकि इन इंजनों की आपूर्ति के यानी कि जो अगले बैच की आपूर्ति करनी है उसके लिए भी अभी कॉन्ट्रैक्ट किया जाना बाकी है। दोस्तों ऐसा पहली बार नहीं है जब अमेरिकी प्रशासन ने भारत को इंजनों की आपूर्ति में गड़बड़ी की है। 8 F-04, F-2J3 इंजन शुरू से ही तेजस TD प्रोग्राम के लिए GE के द्वारा आपूर्ति किए गए थे, लेकिन जब भारत ने 1998 में पोखरण में दूसरा परमाणु परीक्षण किया उसके बाद अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध लगा दिए और अमेरिका ने GE को इंजन के कंपोनेंट्स भारत को सप्लाई करने से मना कर दिया, यानी कि उसे प्रतिबंधित कर दिया, जिसमें पुर्जे और अन्य चीजें शामिल थी। हालांकि 2001 तक काफी कुछ सुधर गया था और तेजस TD-1 के लिए 3 इंजनों को सप्लाई किया गया था। 2004 में भारत ने ऑपरेशनल प्रोडक्शन एयरक्राफ्ट और नेवल प्रोटोटाइप की एक सीमित श्रृंखला की शक्ति के लिए 17 F-404 GE IN-20 इंजन खरीदे और इसके बाद 24 और F-404 GE IN-20 आफ्टर बर्निंग इंजनों के साथ भारत के लिए Tier-2 लड़ाकू विमानों के पहले ऑपरेशन स्क्वाडन को शक्ति प्रदान की। वहीं 2010 में भारत ने तेजस MK-2 प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए F-414 IN-S6 98 किलोन्यूटन का चयन किया और 99 यानी कि 99 इंजनों का कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, जिनमें से करीबन 8 से 12 इंजनों को भारत की डिलीवर किया गया पहले 2 प्री प्रोडक्शन यूनिट्स में। हालांकि अब अगर प्रतिबंध लगते हैं तो भारत के पास ऑप्शन क्या बचते हैं, इसके लिए भी कई सारे विचार सामने आए हैं। सबसे पहला जो सुझाव आया है वो आया है डसॉल्ट राफेल फाइटर जेट के इंजन को लेकर। फ्रेंच M88 इंजन भारत के तेजस MK-1 बेड़े पर लगाया जा सकता है अगर बाइडेन प्रशासन प्रतिबंधों को लगाता है तो और GE के इंजनों को रोकता है तो, इसीलिए M88 इंजन को भी अपनी लिस्ट में रखा गया है। हालांकि M88 इंजन मोटे तौर पर उतना पावरफुल नहीं है जब आफ्टरबर्नर के साथ वे लगे होते हैं, जो कि तेजस MK-1 के हथियारों और ईंधन का भार ले जाने की क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं और इस थ्रस्ट के नुकसान की भरपाई करने के लिए वजन में और कटौती करनी पड़ेगी। वहीं तेजस MK-2 प्रोग्राम को M88 इंजन से उसका समाधान नहीं किया जा सकता। भारत के पास कुछ F-414 IN-6 हैं जिनका इस्तेमाल उड़ान परीक्षणों और डेवलपमेंटल फेसेस के लिए कुछ यूनिट्स के लिए किया जा सकता है, लेकिन M88 को फिर से 17.5 टन के विमान के लिए वजन को और कम करना पड़ेगा। साफ्रा ने 2011 में एक M88-4E ECO टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन का प्रदर्शन किया था, जिसमें इस बात को कहा गया था कि M88 का थ्रस्ट आफ्टरबर्नर के साथ 90 किलोन्यूटन तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसका एंटायर प्रोडक्शन नहीं किया गया। और फ्रांस ने कहा था कि अगर भारत इन इंजनों को लेता है तो वे इसके डेवलपमेंटल कॉस्ट को नहीं लेंगे, लेकिन इस बात के पीछे जो सबसे बड़ा तर्क था, इन इंजनों का प्रोडक्शन भारत की स्थानीय
असेंबली यानी कि जो लोकल असेंबली थी उसमें नहीं करना चाहता था। इसके अलावा उसने कहा कि भारत अगर अतिरिक्त राफेल के आदेश देता है तो शायद ये संभव हो सकता है, इसलिए भारत को उसका ये विकल्प बिल्कुल बेतुका लगा। वहीं दूसरी ओर ये भी सुनिश्चित नहीं है कि फ्रांस तेजस MK2 के उत्पादन में आने से पहले M88 4E ECO इंजनों की आपूर्ति करने में सक्षम होगा, यानी कि ये विकल्प भी भारत के पास पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है। अब बात आती है एक और विकल्प की जो कि फाइनल है, वो है रॉल्स रॉयस का MTU EJ 200 इंजन। दोस्तों आपको बता दें कि रॉल्स रॉयस के MTU द्वारा विकसित किए गए EJ 200 इंजन को तेजस MK2 प्रोग्राम के लिए भारतीय वायुसेना काफी उत्सुक थी, लेकिन कम कीमत की वजह से GEK 414IN S6 इंजन यहाँ पर जीत गए। दोनों इंजनों के बीच भयंकर प्रतियोगिता के बाद L1 बोली लगाने वाला EJ 200 इंजन किसी भी तरीके से कम नहीं है। अगर भारत EJ 200 इंजन का प्रोक्यूरमेंट करता है तो ये भारत के पक्ष में काम करेंगे, क्योंकि DRDO AMCA प्रोग्राम के लिए नए 110 KN थ्रस्ट क्लास के इंजन को विकसित करना चाह रहा है, और अगर भारत लाइसेंस के तहत EJ 200 इंजन को डेवलप करता है और साथ ही दोनों ही देश मिलकर एक नए इंजन को डेवलप करते हैं तो इन इंजनों से काफी फायदा भारत को होगा। DRDO के चीफ ने पहले ही इस बात का कंफर्मेशन दे दिया है कि तेजस MK2 प्रोग्राम के लिए नया 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट क्लास का इंजन बनाया जाएगा और साथ ही उसे AMC MK2 प्रोग्राम में भी बाद के चरणों में लगाया जाएगा, ताकि EJ 200 शेल्फ ऑफ के साथ दोनों प्रोग्राम्स के लिए एकदम फिट हो सके, वो भी स्थानीय ऑप्शन के साथ। यानी कि यहाँ पे जो बाइडेन प्रशासन भारत के फाइटर जेट के प्रोग्राम को रोकने की कोशिश कर रहा है या कर सकता है, तो उसमें विकल्प भारत के पास मजबूत रूप से रॉल्स रॉयस आ चुका है, और यहाँ पर भारत को किसी भी तरीके से टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि भारत को पहले से ही पता है कि वो अपना बी प्लान क्या करेगा। तो यहाँ पर अमेरिका को ही एक झटका लग सकता है अगर उसने भारत को इंजनों की सप्लाई करने में देरी की या फिर उन्हें रोकने में खलल डाली। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, अमेरिका के प्रतिबंध लगने से क्या भारत के पास ये जो ऑप्शन है रॉल्स रॉयस का वो बेहतर है, या फिर भारत को अमेरिका से किसी भी हाल में जी के द्वारा जो इंजन सप्लाई किए जाते हैं उन पर ही भरोसा रखना होगा? आपको क्या लगता है आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।